दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए किए चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। एल्डर हान ने चेंग साओ की गर्लफ्रेंड को देख लिया था और वो इस एपिसोड में इस लड़की की तारीफ करते हुए बोलता है, तियानवेन सेक्ट को छोड़कर आज तक मैंने इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की कहीं पर भी नहीं देखी है। यह लड़की सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और एल्डर हान ये बोलकर पलक झमकने से पहले ही चेंग साओ के पास चला जाता है और उसे बोलने लगता है, तुम्हें यहाँ पर समझना चाहिए। और वो ये बोलकर उसके छाती में दो बार हिट करता है, जिसकी वजह से चेंग साओ बोलता है, और तुम कौन हो जो कि यहाँ पर सीधे मेरे पास आकर मुझे बोल रहा है मुझे समझना चाहिए। जिस पर हान भी बोलता है, मैं डिमन स्वॉर्ड सेक्ट का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हूँ। जिस पर चेंग साओ इसका मजाक उड़ा देता है और वो बोलता है, तुम इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो। जिसकी वजह से हान भी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने किसी को बहुत ही ज्यादा मारा है, जिसकी वजह से वो मेरे पास न्याय मांगने के लिए आया है, और मैं हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। इस चीज को देखकर चेंग साओ की नजर उस आदमी को ढूंढने लगती है जो कि यहाँ पर चेंग साओ का शिकायत किया है, और इसकी नजर इस आदमी के ऊपर पड़ जाती है। और चेंग साओ हानफी को बोलता है, क्या तुम इस आदमी की बातों में आ गए हो और तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आ गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं है पहले इस आदमी ने ही मेरे ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से मैंने उसके साथ फाइट की, और इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो लोग मेरे सामने टिक पाते, इसलिए मैंने इन लोगों को बहुत ही ज्यादा धोया। और तुम लोग यहाँ पर शुक्र मनाओ कि मैंने इन लोगों को जान से नहीं मारा था। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि डिमन स्वॉर्ड सेक्ट के जितने भी डिसाइपल हैं वो लोग इस तरह के काम को भी करते हैं। इस पर एल्डर हान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक आवाज इन लोगों को रुकने के लिए बोलती है और हम लोगों को आसमान से बहुत सारी लाइटनिंग को दिखाया जाता है जो कि सीधे आकर जमीन पर गिरती है, और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं। और इनमें से एक एल्डर आगे आते हुए बोलता है, मेरा डिमन स्वॉर्ड, और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है। और ये एल्डर हानफी को बोलता है, क्या यहाँ पर कोई डिमन स्वॉर्ड सेक्ट का बुराई कर रहा है? ये आदमी ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी चेंग साओ अपने मन में सोचता है, इस आदमी के पास तो स्वॉर्ड बॉडी है और मुझे जहाँ तक पता है यह बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। चेंग साओ ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यह एल्डर, कौन है यहाँ पर जिसने डिमन स्वॉर्ड सेक्ट की बुराई करने की कोशिश की है और उसके नाम को खराब कर रहा है? और वो ये बोलकर चेंग साओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से चेंग साओ को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और चेंग साओ बोलता है, यह एल्डर मुझे पकड़ने के लिए स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और वो कुछ ही देर में इस चीज से आजाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड में चारों तरफ बहुत ही ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और जो लोग कमजोर होते हैं उन लोगों को खड़ा होने में भी परेशानी हो रही होती है। इस चीज को दूर से यह एल्डर भी देख रहा होता है और वो बोलता है, यह लड़का सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन तभी चेंग साओ इस एल्डर को बोलता है, वो मैं नहीं हूँ जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। मैंने यहाँ पर डिमन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में कोई भी बुरी बातें नहीं बोली है, बल्कि दूसरी टीम ने डिमन स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में बुरी बातें बोली है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप हानफेई से पूछ सकते हैं। जिस पर यह एल्डर भी हानफेई की तरफ देखता है, जिसकी वजह से हानफेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जिस पर हानफी बोलता है, एल्डर जियान, आपको तो पता ही है कि मैं कभी भी डिमन स्वॉर्ड सेक्ट को धोखा नहीं दूंगा। मैंने इसलिए ऐसा यहाँ पर किया क्योंकि इस लड़के ने स्वॉर्ड घाटी के एक डिसाइपल को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था और वो डिसाइपल मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए, इसलिए मैंने इस डिसाइपल की मदद की। इस बात को दूर से वूमिंग भी सुन रहा होता है और वो आगे आते हुए बोलता है, एल्डर जियांग, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों ने मामले की छानबीन अच्छी तरह से नहीं की है और इन लोगों ने सारे मामले का इंजाम चेंग साओ के ऊपर डाल दिया है। स्वॉर्ड वैली का डिसाइपल जुआंग, जिसने चेंग साओ के साथ फाइट की थी और वो इस फाइट में हार गया, जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती बहुत ही ज्यादा हो गई थी और उसने अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए हानफी से मदद मांगी थी, जिस पर हानफी ने भी इस मामले की जांच किए बिना भी इसका साथ दिया था और मैंने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा है। इस पर एल्डर जियांग इस आदमी के बैच को देखता है और वो बोलता है, तुम तो यहाँ पर जियांग के भतीजे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और मुझे लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि तुम्हें देखने से ही लग रहा है। जिस पर वूमिंग बोलता है, मैं आपके साथ हूँ। जिस पर एल्डर हान बोलता है, किंग वांग, स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ उंगली करने की किसी में भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है और तुम्हारा सेक्ट उत्तरी क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। किंग एनजी सेक्ट का नाम सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग तो आपस में बात करने लगते हैं कि हेवनली सेक्ट में जितने भी सेक्ट हैं उन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्टों में से एक है इन लोगों का सेक्ट। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर जियांग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, मेरा भतीजा यहाँ पर गलत नहीं होगा और मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। इसके बाद एल्डर जियांग हानफी को बोलता है, मैं भी तो देखना चाहता हूँ किसने तुम्हें ये सब पाठ पढ़ाया है। इस बात को सुनने के बाद हानफी अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाते हैं और वो जहाँ से आया था उस जगह पर चला जाता है। इसके बाद एल्डर जियांग वांग की तरफ देखते हैं
और वो बोलता है यही आदमी है जिसने मेरे सेक्ट की इतनी ज्यादा बदनामी की है, जिसकी वजह से मेरे डिसाइपल किसी निर्दोष की जान लेने के लिए चले गए थे। और वांग, अगर तुम सॉर्ड वैली से बिलोंग नहीं करते तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार डालता। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वांग बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। इसके बाद एलेजियन इन सभी लोगों को बोल देता है डीमन सॉर्ड को इनहेरिट करने का रास्ता कुछ ही देर में खोल दिया जाएगा, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, अगर तुम में से कोई भी मेरे सेक्ट के डिसाइपल की बुराई करेगा तो वो इस जगह पर मारा जाएगा, इसलिए वो मुझे इस चीज के लिए दोष नहीं दे सकता है। इस बात को सुनने के बाद एक आदमी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उसके नाम का जयजयकारा करने लगता है। लेकिन तभी एल्डर जियान बोलता है रुको, अभी डीमन सॉर्ड को इनहेरिट करने में कुछ समय बाकी है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को लाया हूँ, और जो भी यहाँ पर मेरे इस टेक्निक को हासिल कर लेगा मैं उसे अपने सेक्ट में एक बहुत ही अच्छा स्थान दूंगा। और एल्डर जियान यह बोलने के बाद सभी लोगों को एक एक स्क्रोल दे देता है, जिससे यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ध्यान से देख रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं चैंसा इस स्क्रोल को नहीं लेता है, जिस पर यह आदमी बोलता है आपने क्यों नहीं लिया भाई, जिस पर चैंसा बोलता है मास्टर यान भी इसे नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए मैं इस चीज में भाग नहीं लूंगा। इसके बाद हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ध्यान के साथ में इस स्क्रोल को देख रही होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसकी वजह से चैंगसाव एक नजर इस स्क्रोल की तरफ देख लेता है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने सोल सी में चला जाता है और यहाँ पर कुछ वर्ड फ्लाई कर रहे होते हैं। इसके बाद चैंगसाव अपने प्रेजेंट टाइम से बाहर आ जाता है और वो बोलता है अगर मैंने इस चीज को सोल्व कर लिया तो इसकी वजह से कैंडो की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। चैंगसाव ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो कि बोलता है यह किस तरह की सॉर्ड टेक्निक है, मैंने तो यहाँ पर सिर्फ इस स्क्रोल के 6 टेक्निक को पढ़ा है, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मुझे लगता है अगर मैंने इसे कंट्रोल नहीं किया तो इसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और वो ये बोल के ये सब खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी भी पावर यहाँ पर बढ़ने लगती है। इस चीज को चैंगसाव भी दिख रहा होता है, लेकिन तभी इस चीज में इस लड़की को प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से चैंगसाव अपने कुछ टेक्निक का यूज करके इस लड़की को होश में ला देता है और उसे इस टेक्निक के बारे में बताने लगता है कि अगर इस शॉर्ट टेक्निक को अगर तुमने बिना समझे ही कल्टीवेट करने की कोशिश की तो इसकी वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। और चैंगसाव के यह बोलने की देरी थी तभी हम लोगों को कुछ डिसाइपल लोगों को दिखाया जाता है, जिनकी बॉडी में अचानक से बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाने के कारण इन लोगों की बॉडी ब्लास्ट होने लगती है और इन लोगों की मौत यहीं पर हो जाती है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।